दोस्तों आज हम ऐसा भोजन आपको दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आपको लगेगा कैसे थे हमारे वे दिन जब हमारे दादा दादी हमारे पूर्वज इस तरह का भोजन करते थे और निरोग रहते थे। हम पहाड़ में हैं, इस समय आपको दिखेगा नहीं, लेकिन यह गगनचुंबी पहाड़ियां इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये आप देख रहे हैं और हम पहाड़ पर हैं, लेकिन इससे भी ऊपर पहाड़ियां हैं। हम लगभग 2000 मीटर के लगभग हैं इस समय, उससे थोड़ा कम होगा समुद्र तल से। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और भोजन बन रहा है। ऐसा भोजन आपने कुछ चीजों का नाम नहीं सुना होगा, कोदो सावा मंडुआ, ऐसे पुराने जो अनाज होते थे मोटे अनाज वह खाते थे लोग। कई जगह हमने दिखाया है लोग गोदा भी खाते थे, गोदा से भी प्राय बरगद पीपल पाकड़ इसका गोदा खाते थे लोग, उसको ऐसे बना करके रोटी जैसा बना करके खाते थे। अब हम चल रहे हैं जहाँ चूल्हे पर हमारा भोजन तैयार हो रहा है और जिस चीज़ की रोटी बन रही है उसे आप देखेंगे और जो खाद्य पदार्थ हैं उसे भी आप देखेंगे। यह पहाड़ का घर है, चूँकि यहाँ पंखा किसी घर में है नहीं, चलिए घर में भी कोई नहीं है, एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए किसी के घर में कोई पंखा नहीं है और यह पूजा का घर है और इतनी ही ऊंचाई है, हमारी थोड़ी हाइट कम है चलिए तब भी हम स्पर्श कर पा रहे हैं। तो यह देखा आपने और इस घर में से मैं निकल रहा हूँ। लोग अब देखिए आज आज पहला सितंबर है, यह एक कंबल यहाँ रखा गया है एक कंबल यहाँ रखा गया है, जाहिर सी बात है कि इस मौसम में कोई कंबल तो रखेगा नहीं। अगर और आप देखेंगे तो यह कंबल डबल करके ओढ़ने के लिए रखा गया है, तो आपने मान लिया कि ठंड यहाँ अधिक है। अब चलिए ठंड से बचाव के उपाय किए गए हैं, अंगीठी भी है, कुछ लोग अंगीठी भी सेकते हैं लकड़ियों से कोयला से, और एक ये पहाड़ी कुत्ते हैं, इनके बड़े बड़े बाल प्रकृति ने इसलिए किया है कि इन्हें ठंड न लगे, ये पहाड़ के कुत्ते हैं। आइए आप देखेंगे मोटी मोटी रोटी मैं खाता हूँ, कुछ ऐसे व्यंजन खाता हूँ, या कुछ बर्तन है आप, ये बड़े बड़े भगोने हैं, यह भगोने पहले उसके भी होते थे पीतल के होते थे, और यह चूल्हा है। आइए हम भीतर चलते हैं, देखिए इधर आप पहले चूल्हे का अवलोकन करिए, यह चूल्हा है और इसमें चूल्हे में दो है, एक उधर है और एक इधर है, लकड़ी पर माता जी भोजन बना रही हैं। आइए आइए सर, आप आइए आइए आइए, आप अंदर अंदर आ जाइए आप। प्रणाम। यह किस चीज की रोटी बना रही है? मंडुआ। मंडुआ की है, अच्छा यहाँ पैदा होता है अभी? नहीं ये किसी लाए मोल लाए। अच्छा हाँ। मतलब कहीं कहीं पैदा होता है, आपके यहाँ भी नहीं है? हाँ, कहीं कहीं पैदा होता है। यह मंडुआ की रोटी है, मंडुआ की रोटी। अच्छा थोड़ा सा हमको तोड़ के देंगी ऐसे ही? हाँ। सूखी रोटी खाने के लिए थोड़ा सा तोड़ के दीजिएगा। एक बार हमने बहुत पहले एक वनवासी परिवार में दिखाया था, हाँ देखिए पहले अग्नि अग्नि को इन्होंने समर्पित किया। माता जी की उम्र 80 साल के लगभग है, बोलती हैं और जब अग्नि में चढ़ाते हैं तो वो बोले भीमाय नमा भीमाय नमा। अच्छा भीम का भीम रसोईया था तो भीम का नाम लेना रसोईया। अच्छा भीमाय नमा भीमाय नमा, जब हम चढ़ाते हैं और अंडा धरते हैं तो बोलते हैं कि पितृ देव तो सासू जी ससुर जी माई पिताजी। देखिए तवे से अब उसमें आग में सेकी जा रही है, थोड़ा सा तोड़ के दीजिएगा फिर बाद में खाएंगे, लेकिन यहाँ खाते नहीं है ना यहाँ बैठ के? क्यों नहीं? अच्छा बैठो। अच्छा उधर बैठ के खाते हैं। इधर एक बॉक्स भी है, इसमें क्या रखा गया है माता जी? अंकल जी इधर ही देंगे, छोटी मोटी चीज है जो मिलते नहीं है मसाला। अच्छा एक लोहे का वो है उसको उसको करना दीजिएगा, लोहे वाला जो इधर है डालिया है, देखिए इसे फूंकते हैं यही ना? हाँ शिमी है डालिया है छोटी मोटी चीज है। थोड़ा थोड़ा जा रहा है, मैं काफी दूर हूँ, इससे फूंक करके आग जलाते हैं लोग। तो ये गैस में गुथा गया है और इसको एक बार दिखाते हैं। ठहर ठहर
गैस में नहीं पकती अच्छी। अच्छा गैस में नहीं पकती है। हाँ, यो पकती है भट्टी में। इसे कहीं कहीं संदूक का छोटा रूप है। हाँ। इसमें सामान कुछ रख करके और ऐसे बंद कर देते हैं। हाँ। यह लकड़ी का बना हुआ है। बताते हैं कि किचन में, किचन माने रसोई घर में है, खाते नहीं है इसे, तो मैं इसे बाहर ही खाऊंगा। और इसे आपने देखा, यह क्या है माता जी? बंठा। बंठा बैठ जाओ जी। जी जी, क्या है बंठा? बंठा अच्छा, इसमें पानी रखा जाता है, पानी रखा जाता है, इसमें आटा रखा गया होगा। ये एक डलिया है। किचन का सारा सामान दिखाया आपने और किचन की ऊंचाई ये है। तो इधर सुनील है, यह विकास है और आप विकास हैं जी, तो यही रहते हैं आप लोग? जी हम यही रहते हैं। अच्छा, विकास रहने वाले कहाँ के हो? मैं प्रॉपर सर यहीं का ही हूँ, नागरिक। अच्छा, यही यहीं के। और सुनील तो रहने वाले हैं जिला शाहजहांपुर के। और माता जी हैं अयोध्या देवी जी। और देखिए पालथी बार के। अच्छा, इसमें ये मक्खन है, अभी अभी ले लेंगे। आगे करो ना, मेरे हाथ दर्द हो रहे मान लो थोड़ा। अब चलिए इसको भैया, अब हम लोग जल्दी जल्दी ग्रहण करेंगे और यह भोजन भी लेना। तो माता जी इसके साथ और क्या, कैसे खाएंगे हम लोग? सब्जी है बनी। अच्छा, और दाल बनी है। अच्छा। हाँ। ये सब ऑर्गेनिक है, दाल और भी कुछ बनाएंगे, रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं हुआ है। रासायनिक आटा नहीं, बोली नहीं जानी आटा। सुनील शाहजहांपुर के हैं। और सुनील आइए एक बार। सुनील ट्रांसपोर्ट में रहते थे और यहाँ आ गए। इन्होंने कहा कि मैं स्वर्ग में आ गया हूँ और अब यहाँ से नहीं जाऊँगा। 50 साल उम्र भी है सुनील की। 50 साल है ना? 50। हाँ हाँ। तो शाहजहांपुर कितने दिन पर जाते हैं? कभी मेरे को 1 साल हो गया पूरा। अच्छा, तो आप यहाँ गाय वाय देखते हैं? जी। ये लोग कुछ बोलते नहीं भीतर उधर जाने में? नहीं, हम तो अंदर ही बात करते हैं। देखिए, तमाम लोग विश्व भ्रमण करते हैं। मैं जहाँ हूँ, यह ब्राह्मण परिवार है इनका। ये लोग ब्राह्मण है ना, जैसे चौका लगाएंगे। हाँ, भात भात बनाएंगे तब ना देखने देंगे। हाँ। अच्छा, चौका लगाएंगे, भात बनाएंगे, कुछ दिन है आपको बढ़ने देंगे, रोटी बनाएंगे, कोई खाए। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, रोटी वोटी में कोई दिक्कत नहीं है। चावल में अभी भी कुछ कम करने की जरूरत है, लेकिन ये लोग भेदभाव नहीं रखते। नहीं, अच्छा है, कोई नहीं, आराम से हम भी खाते हैं। चावल में दिक्कत है? चावल चावल कच्चा मानते हैं ना। भात? हाँ, भोज भात और टाट भात जी। और भात खिला करके दयादी जोड़ लेते हैं लोग। मतलब अपनी बिरादरी में ही भात चलता है जी जी, और लोगों के साथ नहीं चलता है। और कोई रोटी वोटी में दिक्कत नहीं है? तो यह चुल्हानी कहा जाएगा एक तरह से, रसोई घर में। सुनील को हमने देखा तो हमको बड़ी खुशी हुई है। सुनील सच बता रहा हूँ, इसी की जरूरत है, इसी की जरूरत है। और बहुत अच्छा है। आप गायों को देखते हैं? गाय को भी देखता हूँ, खेती भी करता हूँ, कभी काम जो मतलब टाइम मिलता है हर काम कर लेते हैं। लेकिन यहाँ 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 से जाने का मन नहीं करता है ना मेरा। मन सब जिधर रहा है तो आपसे जरूर बोलूँ। हाँ, मैं बोल देता हूँ सर जी को कि मेरे को भेज दो। लेकिन जब जाने का नंबर आता है मन ही नहीं करता। मन नहीं करता है ना यहाँ। खूब बढ़िया मौज मस्ती शुरुआत आया था। मुझे सर्दी में आया और सर्दी मिल गई मेरे को। फिर अब मैं सोच रहा हूँ अगर गांव जाऊंगा तो अपने इधर तो गर्मी है बहुत तगड़ी है, बीमार हो जाऊंगा। पूरा तो निकल गया सीजन है ना। गाय भी आपको बहुत मानती है? गाय हमको इतना मानती है कि अनजान बंदा कोई जल्दी जा नहीं सकता है, मर देगी। और सीने भी काफी नुकीली है। काली वाली गाय ना मेरे को तो शुरू में लाया था, मेरे को फेंक दिया उठा के। भैया अंकल जी मैंने बहुत सेवा करी, पैर जब चारा डालने जाता हूँ सुबह को पहले पैर छूटा। वाह 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 वाह, हाथ जोड़ के
क्या मत मारना तो दोस्तों आप सभी को अच्छा लगा होगा ये वीडियो और पुराने जो अनाज है उसे खाने और यहाँ क्या सेब भी यहाँ निकलता है ना। जी हाँ जी, सेब है और अखरोट है। अखरोट भी है, अखरोट की रोटी लोगे क्या? गेहूं की रोटी अलग से? नहीं, हम मड़ुआ की ही लेंगे। मड़ुआ गेहूं की नहीं लेंगे, गेहूं तो रोज खा ही रहे हैं। खा ही रहे हैं। अच्छा, इसका दाना बहुत छोटा छोटा होता है ना, मड़ुआ की मड़ुआ का बहुत छोटा छोटा दाना होता है ना। हाँ जी हाँ जी, बहुत छोटा छोटा होता है। अच्छा, आप सामा पैदा नहीं ना होता? सामा नहीं करते, सामा अपने तरफ होती है भाई। अच्छा, अपने तरफ भी कहाँ होता है? होता है, होता है, करते हैं अभी। अरे क्या, वाह वाह, सामा का भात खाया आपने? हाँ खाया, सावा का अभी लड्डू खाया हूँ, डोरी लड्डू, लड्डू और कोदो, कोदो। हाँ जी, कोदो, कोदो, कोदो देखा है? नहीं देखा है। कोदो एक टांगुन भी होता था, हमारी माता जी बताती थी, टांगुन, सावा, कोदो, और ये सब चीजें खत्म हो गई। अब कहाँ गए हमारे दिन और कितने धीरे धीरे अंकल जी खत्म हो रही है, लेकिन अब समय वही आएगा, समय वही आएगा, वही खाएंगे लोग। अच्छा, तो इधर क्या क्या बुआई किया है आपने? मटर, और हमने मटर बीजी है। तो कैसे, बैलों से जुताई होती है कि कैसे? हाँ, बैलों से जुताई। बैलों से? बैल कहाँ है? बैल किराए पर आते हैं। तो एक दिन का कितना लेते हैं लोग? 7-8 सौ रुपया लेते हैं एक दिन का। वही वही जुताई भी करेंगे? वही छोटे छोटे? नहीं, जुताई करके चले जाएंगे। बुना तो मेरे को है। बुना तो आपको है, कुदाल से बोएंगे? कुदाल से। अच्छा, बैल छोटे छोटे होते हैं ना? हाँ, बैल छोटे। अपने तरफ बड़े भी हैं, बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, लेकिन अपने तरफ तो बड़े बड़े हैं। इधर तो बैल पूरा बैल ही होते हैं, बैल बैल जैसे होते हैं, लेकिन इधर तो बैल छोटे 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 छोटे। तो दोस्तों, ये रहा आपको हमने दिखाया, विनम्रता के साथ आपको प्रणाम करता हूँ। उत्तराखंड में हूँ और टेहरी गढ़वाल के इस गाँव में आपको दिखाया भोजन करते हुए, और भोजन करते हुए भी दिखाऊंगा। नमस्कार।